बुध 10 मई 2024 को शाम को 6:39 पर मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। बुध का मेष राशि में गोचर करना हमारी 12 राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, पूर्व की 6 राशियों के बारे में हम 2 वीडियो के माध्यम से चर्चा कर चुके हैं। आज हम तुला, वृश्चिक और धनु राशि की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इन्हें इस समय अवधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे और क्या कार्य करना इनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, तो यह सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। और जो नए व्यूअर्स चैनल पर हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए बुध 9वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में दाम्पत्य जीवन और व्यवसाय में साझेदारी के 7वें भाव पर बुध गोचर करेंगे। यह गोचर आपकी आध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ा सकता है। साथ ही आप इस समय अवधि में किसी तीर्थ स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं। करियर में बुध का गोचर आपके लिए पदोन्नति लेकर आएगा। इसके अलावा भी करियर में आपको अन्य लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक जीवन में आपको सट्टेबाजी या शेयर मार्केट के जरिए भी धन प्राप्त हो सकता है। अगर प्रेम जीवन की बात करें तो यह गोचर आपके और आपके जीवन साथी के रिश्ते में मिठास को बढ़ाएगा, साथ ही आप दोनों का रिश्ता मजबूत होगा। सेहत के दृष्टिकोण से तुला राशि के जातकों को यह गोचर काल स्वास्थ्य का वरदान देगा। आपकी सेहत अच्छी बनी रहे इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन हरे वस्तु को धारण करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए बुध 8वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में रोग ऋण रिपु के 6ठे भाव पर बुध गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर की अवधि में आपको पारिवारिक मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में नौकरी में कार्य का दबाव बढ़ने वाला है, जिसके कारण आप कार्य क्षेत्र में व्यस्त नजर आएंगे। व्यापारी जातकों को भी अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयत्न करने होंगे और सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। आर्थिक जीवन में भी खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिसके कारण कर्ज या लोन लेने की नौबत आ सकती है। यह गोचर आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ाएगा। प्रेम जीवन में भी आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा और एक तालमेल बैठाना होगा, जिससे आपका रिश्ता अच्छा चले। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना होगा। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय अवधि में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने माता के स्वास्थ्य पर धन खर्च करना पड़ सकता है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुध के बीज मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि के लिए बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन के 5वें भाव पर बुध गोचर करेंगे। इस समय अवधि में आपकी प्रगति की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है। अगर आप खुद का व्यापार करते हैं तो आपको अपने व्यापार में सावधानी बरतनी चाहिए। नौकरी क्षेत्र में आपको औसत परिणामों की प्राप्ति होगी। जो पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, उन्हें अपने पार्टनर के साथ किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक जीवन में धन कमाने की रफ्तार औसत रह सकती है। यह गोचर आपके अंदर अहंकार को बढ़ा सकता है, जिसके कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच रिश्ते में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। साथ ही आप दोनों के बीच तालमेल में भी कमी देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय अवधि में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहेगी, जिसके कारण आपको एलर्जी हो सकती है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए भगवान गणेश की नित्य आराधना करें। तो यह था बुध का मेष राशि में होने वाला गोचर, जिससे तुला, वृश्चिक और धनु राशि इस प्रकार प्रभावित होंगे। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई हो। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।